हेलो फ्रेंड्स, राम राम सा, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने समोसा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले समोसा बनाने के लिए अपन को आटा गूंदना पड़ेगा, तो आटा रेडी करना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या चाहिए वो बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये एक बड़ी कटोरी ये लिए मैदा, और इसमें थोड़ा डालने के लिए 2 चम्मच छोटे वाले अजवाइन और 1 चम्मच नमक, और ये है तेल। तो सबसे पहले अपन ये जो मैदा है इसमें डालेंगे। कोई बड़ा कटोरा लेंगे जिसमें अपन आटा अच्छे से गूंद सकते हैं। मैंने ये छोटा सा धामा लिया है ताकि इसमें आटा अच्छे से गूंद सकते हैं अपन। और इसमें डालेंगे अपन अजवाइन। अजवाइन से जो है स्वाद बहुत अच्छा आता है समोसे में। और ये 1 छोटा चम्मच नमक और 4 छोटे चम्मच तेल। अपन घी भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे तेल ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे सब सामान डाल के रेडी कर दिया है, और अब इसको अपन अच्छे से धीरे धीरे हाथों से मिक्स करेंगे। पहले पानी नहीं डालेंगे, पहले सारे को इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये इस तरह से मैंने सभी सामानों को मिक्स कर लिया है, और अपन को इसको ऐसे करके देखना है कि ये लोया बन रहा है नहीं बन रहा तेल डालने के बाद। अगर फिर भी तेल कम लगे आपको तो थोड़ा सा तेल और डाल लेना। मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सारे को गूंद लेना है। पानी एक साथ नहीं डालना है, एक साथ डालने से गीला हो जाता है तो अपन को पता नहीं चलता है। और रोटी के जैसे उसलना है आटा बिल्कुल। तब इसको थोड़ा सा पानी लगा के और इसको थोड़ा सा गूंद के फिर रख देंगे इसको 10 मिनट के लिए। तब तक अपन मसाला भून लेंगे और ये भी अच्छे से लोच में आ जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा और उसन लेंगे लास्ट में। तब इसको इस तरह से रख दिया मैंने, इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, आटा तो गूंद के रख दिया अपन ने 10 मिनट के लिए, और अब जो मसाला रेडी करते हैं समोसों का, वो उसके लिए अपन को क्या क्या चाहिए तो वो सामान बता देती हूँ। और सबसे पहले अपन मसाला ले लेते हैं नमक मिर्ची। तो यहाँ पे मैं मिर्ची लूँगी 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच ही नमक। चलिए अब और क्या क्या सामान चाहिए अपन को वो बता देती हूँ मैं आपको। समोसों का मसाला बनाने के लिए अपन को किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है मैं बताती हूँ आपको। ये यहाँ पे मैंने लिया है साबुत धनिया और थोड़ा सा जीरा, और ये हरा धनिया, और ये है बारीक कटे हुए 2 प्याज, और ये गरम मसाला, हरी मिर्च 2, नींबू, पुदीना, और ये जो मिर्ची मैंने आपको बता दी है, और यहाँ पे है ये आलू जिसको मैंने मतलब उबाल लिए, और इसको तो बाद में बताऊँगी आगे। अब कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, चूल्हा जला दिया मैंने, और अब ये कढ़ाई चढ़ा देते हैं। इसके अंदर डाल लेते हैं तेल, 1 सब्जी का बड़ा चम्मच के अंदाज से तेल डाल दूंगी मैं इसके अंदर। तेल को गर्म होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते हैं, अच्छे से गर्म हो जाएगा। तेल जो है अपना अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा जीरा और साबुत धनिया जो अपन ने लिया था वो। और अब डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्च, प्याज, अब अच्छे से थोड़ा सा इसको हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो हरी मिर्च और प्याज पक गए हरे, और इसके अंदर अब डालेंगे ये आलू जिसको अपन पूरा बारीक नहीं करना, हल्का बारीक करना है, थोड़ा थोड़ा सा छोड़ना है, मतलब इस तरह से पूरा बारीक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो अब अच्छे से इसको हिलाएंगे। अब इसके अंदर अपन डालेंगे मिर्च मसाले, ये
अच्छे से इसको पकाएंगे हिला के, और उसके बाद में अपन को इसमें डाल देना है गरम मसाला। गरम मसाले से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है समोसे के अंदर। और इसके अंदर अपन पुदीना और धनिया भी डालेंगे, और दोनों में से एक चीज़ हो तो भी चलेगा, मेरे पास दोनों है तो मैं दोनों डाल दूँ। और ये है पुदीना, ये पुदीने की कुछ पत्तियाँ लिए मैंने। और इसके अंदर खटाई के लिए अपन को या तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं अपन, और या फिर वो ना हो तो नींबू डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नींबू डालूँगी, मेरे पास नींबू है तो नींबू डालूँगी, वो अपने अपने हिसाब से डाल सकते हैं कितना खट्टा करना चाहते हैं अपन। तो ये मैं यहाँ पे पूरा एक नींबू डालूँगी। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा और पकाएंगे इसको, उसके बाद में मसाला जो है अपना रेडी, मसाला जो है एकदम से पक के रेडी हो गया अच्छे से। और अब इसको नीचे उतार लेंगे अपन। तो मसाला जो है अपना ठंडा हो चुका है, और अब इस आटे को देख लेते हैं। ये आटे को एक बार फिर से थोड़ा सा गूंद लेते हैं, इससे क्या है कि आटा अच्छे से अपना लोच में आ जाएगा। कितना अच्छा लोच में भी आ गया। और अब अपन छोटी छोटी गोलियां बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। रोटी की जैसे छोटी रोटियां होती है ना, उस तरह से छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। ये इस तरह की। अब अपन इसको बेल लेते हैं। तेल या आटा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है इसमें। ये इस तरह से बेल लिया मैंने। अब इसको कट कर लूंगी। ये देखिए इतनी बड़ी बेल ली मैंने। अब इसको चाकू से अपन कट कर लेंगे। ये दो हिस्से कर लिए मैंने इस तरह से। और अब क्या करना होता है कि ऐसे मोड़ेंगे इसको, तो इस तरफ से पानी लगाना पड़ेगा, अपना लगाना पड़ेगा। अब अच्छे से इसको इसके हिस्से इस तरह से चिपकाएंगे। चिपकने से क्या है, एक मसाला जो है अपना बाहर नहीं निकलेगा। ये इस तरह से चिपकाया मैंने, और डोईने की जैसे इसको बनाया तिकोना। अब इसके अंदर अपन डालेंगे चम्मच की सहायता से मसाला। और इसके अंदर मसाला डाल लेंगे अपन। मसाला आप गोलियां बना के भी डाल सकते हैं, और इस तरह से भी डाल सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे। तो अब इन किनारों पे पानी लगाना हो थोड़ा थोड़ा और, ताकि ये किनारे अच्छे से चिपक जाए और मसाला जो है अपना निकल के बाहर तेल के अंदर नहीं आए, और पानी से जो है अच्छा सा चिपक जाता है ये। अभी मैं बताती हूँ आपको, इस तरह से हल्के हाथ से दबाना है, बिल्कुल ध्यान रहे किसी खुले नहीं किसी साइड से। ये इस तरह से।
ये देखिए, ये थोड़ा छोटा बना है लेकिन अच्छा है, इतने छोटे क्या है, सीखने में बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मैंने समोसे रेडी कर लिए और अब इसको तल लेते हैं। तेल भी गर्म हो चुका है अपना अच्छे से, तो समोसे एक एक करके डाल देते हैं और बिल्कुल धीमी आंच रखनी है अपन को गैस की, क्योंकि बिल्कुल धीमी आंच में पकाना होता है इनको अच्छे से, तभी इनका स्वाद अच्छा आ पाता है। बस इसकी पलटी लगाते रहना है और अच्छा सा इसको 5-7 मिनट तक अच्छे से पकाना है, इसको हल्के ब्राउन होने तक पकाना है। बस इसकी पलटी लगाते रहना है। तो अपने समोसे जो है रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सभी को पकाया है अच्छे से, अब निकाल लेते हैं इसको। अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया ये देखिए इस तरह से, और खुला एक भी नहीं है चम्मच समोसा, और बहुत ही अच्छी तरह से पका है ये, बहुत क्रिस्पी भी बना है। अभी देखना आवाज़ आएगी इनमें से जब मैं प्लेट में निकालूंगी तब। ये देखना, ये देखिए इस तरह से आवाज़ आई है और बहुत ही अच्छे बने हैं, जैसे मार्केट से होते हैं ना बिल्कुल उस तरीके से बने हैं। घर पर बनाई हुई चीज़ों की बात अलग होती है, तरीके के समोसे बने हैं अपने घर पे बिल्कुल, और बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब साफ़ सफाई से मार्केट से पता नहीं कैसे क्या बनाते हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना और मिलेंगे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राम लाल साह, जय श्री कृष्ण आप सभी को।